हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, जितना भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है उस सब पे हम डिस्कशन करेंगे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3 इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें एलिगेशन पूछा जाता है तो यकीन मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम कॉन्सेप्ट के साथ भी और ट्रिक के साथ भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर ऑफ मिल्क। एक डब्बा है उसमें 80 लीटर दूध है। फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर मिल्क वाज टेकन आउट। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है एंड रिप्लेस बाय वाटर, और इसके जगह पे 8 लीटर पानी दे दिया जाता है। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। यह प्रक्रिया को कुल 2 बार और दोहराया जाता है। देन फाइंड अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। तो आपको बताना इस कंटेनर में दूध की कितनी मात्रा बच गई है। देखिए, इस क्वेश्चन में केवल एक लाइन आपको ध्यान देना है कि यह जो प्रक्रिया है वो कुल कितने बार दोहराया गया। पहला बार तो आपको एक बार कह दिया कि 8 लीटर दूध निकाल देना है। ठीक है, फिर उसके जगह पे 8 लीटर पानी डाल देना है, या एक बार हो गया और दोबारा 2 बार और करना है, तो इसका मतलब कुल 3 बार हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन भी हम अगले पार्ट में करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन से 5 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ सकता है, चाहे वो बैंक के एग्जाम में हो, चाहे रेलवे, एसएससी या कोई राज्य सरकार का स्टेट लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, वो 5 टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लीजिएगा। पहला आपसे पूछ सकता है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का अनुपात बता। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क दूध का मात्रा बताना है। तीसरा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी का मात्रा बताना है। चौथा आपको बताना है परसेंटेज ऑफ मिल्क, दूध का प्रतिशत बताना है। और पांचवा, परसेंटेज ऑफ वाटर, पानी का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे और कंसेप्चुअल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे, जब भी आप बुक को उल्टाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको मिलेगा क्या, इस जो क्वेश्चन है जहां पे 80 लीटर लिखा हुआ है वहां पे 90 भी दे सकता है, और जहां पे 8 लीटर है वहां पे 9 भी दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा, तो सारे क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी 80 लीटर दे देगा और 8 लीटर निकाल देगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा 70 लीटर दे देगा और 7 लीटर निकाल देगा, फिर क्या करेगा 60 लीटर दे देगा और 6 लीटर निकाल देगा, फिर 50 लीटर दे देगा और 5 लीटर निकाल देगा, चाहे प्रक्रिया 2 बार हो या 3 बार हो, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर देंगे। देखिए, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इस सभी का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जब हम ट्रिक बताएंगे तो उससे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम एक कंटेनर बना लेते हैं। इस कंटेनर में 80 लीटर दूध रखना है। कितना दूध रखना है, 80 लीटर दूध लेना है। 80 लीटर इसमें दूध है। अब कह रहा है फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर मिल्क वाज टेकन आउट। 8 लीटर जो है दूध निकाल दिया जाता है। ठीक है, एंड रिप्लेस बाय वाटर, और इसके जगह पर कितना पानी डाल दिया जाता है, 8 लीटर वाटर डाल दिया जाता है। और कह रहा है यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया, इसका मतलब फिर से 8 लीटर निकाल दे रहा है माइनस 8 लीटर अब जो निकालेगा क्या निकालेगा, मिक्सचर निकालेगा, फिर इसके जगह पे 8 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, वाटर, और फिर 8 लीटर मिक्सर निकाला जाता है और 8 लीटर पानी डाला जाता है। तो आपको बताना है कि अंत में इसमें दूध की मात्रा क्या है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 90 में 9 ही क्यों निकाला है, क्वेश्चन में 80 में 8 ही क्यों निकाला है, 70 में 7 ही क्यों निकाला है, 70 में 7 ही क्यों निकाला है, 60 में 6 ही क्यों निकाला है, 50 में 5 लीटर क्यों निकाला, इसका क्या मतलब हुआ। पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए,
इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम 8 लीटर निकाला गया कितना में, 80 में, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल करें 8 से 1 और 8 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हो जाएगा ये 1/10। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना चाहें तो 100 से गुना करते, 100 से गुना करेंगे तो मतलब क्या, 10%। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन में यहां जो आप देख रहे हैं 10% निकाला जा रहा है, ठीक है, तो 10% निकाला जा रहा है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे 10% निकाला जा रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का अगर हम आपसे पूछे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो ये हो जाएगा 1/10। यहां पे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए भिन्न से 100 से गुना करते हैं, और अगर फिर से इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। अब 100 से इसको भाग देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, कट करके 1/10 आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इस कंटेनर में पहले कितना यूनिट मिल्क था, पहले 10 यूनिट मिल्क था, कितना यूनिट मिल्क था, पहले 10 यूनिट मिल्क था, तो 10 का 10% निकाला है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 का 10% निकाल दिया, यानी कितना निकाल दिया, 1 निकाल दे, इसका मतलब निकाला है 1 यूनिट निकाला गया 1 यूनिट। अगर 10 पहले था उसका 10% निकाल दिया, 10 का 10% 1, तो 1 निकाल देगा तो बचा कितना, आप मुझे ये बताइए बचा कितना, क्या 9 यूनिट अब बचा है, यस या नो, अब 9 यूनिट बचा है। तो आइए पहले और अब, पहले और अब, पहले कितना यूनिट था, 10 यूनिट, अब कितना यूनिट बचा, 9 यूनिट। यह प्रक्रिया कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 10 और 9 10 और 9। अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो ये कितना हो जाएगा, 1000, और ये कितना हो जाएगा, 729 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो है हमारे पास मिक्सर कितना था, मिक्सर पहले कितना यूनिट था, 1000 यूनिट। अब कितना बचा है, उसमें दूध कितना बचा है, अब यानी मिल्क कितना बचा है, 729 यूनिट। अगर हम आपसे पूछे 1000 यूनिट में अब बचा है दूध 729 यूनिट, तो 1 यूनिट में कितना बचेगा, 729 बटा 1000 यूनिट होगा। अगर हम कहेंगे क्वेश्चन में 80 है, 90 है, 70 है, 60 है, 50 है, तो हम उसको M मान लेते हैं और एक ट्रिक बना देते हैं, M यूनिट होगा तो कितना होगा, 729 बटा 1000 गुने M होगा क्या। यही ट्रिक का आप यूज करेंगे और क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ट्रिक थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, जो आपको नहीं ध्यान, अगर नहीं समझ में आया होगा तो ट्रिक, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स जो है, जो है 729 बटा 1000 गुने एम सॉल्यूशन करेंगे और आपको दूध का मात्रा अंत में क्या होगा, अब एम के जगह पे क्या होगा, अगर क्वेश्चन में 90 होगा तो 90 रख देंगे, 80 होगा तो 80 रख देंगे, 70 होगा तो 70 रख देंगे, 60 होगा तो 60 रख देंगे, 50 होगा तो 50 रख देंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले इस टाइप का, अब आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये तभी ये ट्रिक अप्लीकेबल होगा जब 10% ही निकाला होगा, अगर 1/5 होता तो फिर ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो था, यहां पे हम सॉल्यूशन कर देते हैं। पहला में क्या है, पहले क्वेश्चन में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। अब मुझे बताइए 1000 यूनिट पहले मिश्रण था, उसमें दूध कितना यूनिट है, 729 यूनिट। अगर हम आपसे पूछे 1000 यूनिट पहले कोई चीज था, अब उसमें दूध 729 यूनिट है, यानी पानी कितना यूनिट होगा, तो 271 यूनिट होगा क्या, यस या नो, 1000 माइनस 729 यानी 271 यूनिट होगा, यस या नो, होगा।
तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ मिल्क एंड द वाटर का रेशियो पूछा, दूध और पानी का अनुपात पूछा, तो दूध कितना हुआ 729 और पानी कितना हो गया 271 यूनिट। दूसरा क्वेश्चन का अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम 80 वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा कितना है, तो दूध का मात्रा निकालने के लिए 729 बटा 1000 गुने 80 कर दीजिए, यहां पे जो वैल्यू निकलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि पानी की मात्रा आपको निकालना है, तो पानी का मात्रा निकालने के लिए आप क्या करें, को पानी कितना है 271, तो 271 बटा 1000 गुने 80 किसमें, 80 में ही है ना, तो 80 ये आपका निकल जाएगा पानी का मात्रा। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम पहले बोर्ड को मिटा देते हैं फिर हम चौथा और पांचवा सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम चौथे पे आ रहे हैं। पहला दूध और पानी का अनुपात कितना हुआ 729 अनुपात 271। दूसरा दूध का मात्रा कितना होगा अंत में, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, यही क्वेश्चन है। पांच क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा, दो तीन साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो 729 इसी का ट्रिक है, 729 बटा 1000 गुने एम, एम के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं लेकिन याद रखें 10% होना चाहिए, निकाला जो गया है वो 10% अमाउंट होना चाहिए। अब हम चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है परसेंटेज ऑफ मिल्क, दूध का प्रतिशत बताना है, अंत में दूध का प्रतिशत कितना है। तो आप मुझे बताइए दूध कितना है 729 यूनिट, 729 कितना में 1000, इस डब्बे में कितना यूनिट है 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट गुने, अब किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब जो यहां आंसर आ गया वही इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब आइए पांचवें नंबर पे, पानी का प्रतिशत अंत में कितना होगा, अब पानी है कितना यूनिट, पानी है आपका 271 यूनिट, क्योंकि टोटल 1000 यूनिट है उसमें 729 यूनिट दूध है, तो पानी कितना बचा 271 यूनिट। अब 271 यूनिट पानी है कितना में 1000 में, अगुने 100, किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से गुना करते हैं, ये हो गया आपका आंसर। तो पांचों क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया, इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में, इतना करने की आवश्यकता है, ये डायग्राम भी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरत नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट में भी देंगे आपके सॉल्यूशन करने के लिए, तो उसको सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट आंसर जरूर करेंगे। तो चले क्वेश्चन नंबर दो की ओर, क्वेश्चन नंबर टू है ए कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क, एक डब्बे में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर्स ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट, इससे 12 लीटर दूध निकाल लिया जाता है एंड रिप्लेस बाय द वाटर, और इसके जगह पे 12 लीटर पानी भर दिया जाता है, दिस देन अगेन फ्रॉम मिक्सर 12 लीटर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द वाटर, पुनः इससे 12 लीटर निकाल दिया जाता है और इसके जगह पर 12 लीटर पानी डाल दिया जाता है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड द वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सर, जो बच गया है ना उसमें दूध और पानी का मिश्रण बताना, किसका दूध और पानी का रेशियो बताना। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने बार ऐसा प्रोसेस किया गया है। ठीक है, पहले क्या किया गया 12 लीटर निकाला गया और उसके बाद 12 लीटर इसमें पानी डाला गया, एक प्रक्रिया हुआ, फिर दोबारा 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और इसके जगह 12 लीटर पानी डाला गया, यह दूसरा प्रक्रिया हुआ। ठीक है, अगर तीसरा होता तो तीसरा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, और नहीं तो नहीं दिया होगा। तो दो बार इस क्वेश्चन में यह ध्यान रखेंगे यह प्रक्रिया दो बार हुआ है। तो चलिए बिना डायग्राम बनाए कंटेनर बनाए हुए हम सॉल्यूशन करते हैं, आप चाहे तो कंटेनर बना ले आपके समझने के लिए है, आप चाहे तो ना बनाए, ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में आप मुझे बताइए कि पहले तो मुझे देखना है कि कितना निकाला गया है, तो निकाला कितना गया है मुझे बताइए, 12 निकाला गया कितना में 60 में, 12 निकाला गया कितना में 60 में, अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 1 टाइम्स में और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में, अगर हम 1/5 अगर हम पूछे कि ये कितना परसेंट है
अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो अब मुझे बताइए कितना परसेंट है। किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पे मुझे बताइए, 20% होगा क्या? देखिए इस क्वेश्चन में 20% निकाला गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम अगले स्टेप में नहीं जाते, इसका आगे स्टेप नहीं जाएंगे तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां से इसको लिखते हैं 1/5। तो हम मान लेते हैं पहले कोई चीज मेरे पास कंटेनर में 5 यूनिट था, पहले कितना था, पहले 5 यूनिट था, उसका 20% यानी 5 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1, 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये 1 निकाला गया, निकाला गया। तो अगर हम आपसे पूछे 5 था आपके पास, मान लीजिए 5 बिस्किट था, उसका 20% आप भाई को दे दिए यानी 1 बिस्किट दे दिए, तो अब आपके पास कितना बच गया, अब आपके पास बचा है 4, अब आपके पास कितना बचा है, 4 यूनिट बचा है। तो चलिए लिखते हैं पहले अब, ठीक है, पहले और अब, पहले कितना यूनिट था, 5 यूनिट, अब कितना यूनिट, 4 यूनिट। आप दो बार हुआ ये प्रक्रिया तो 2 बार लिखिए, 5:4। अगर 3 बार होता तो 1 बार और लिखते 5:4, अगर 4 बार होता 5:4, 1 बार और लिखते, ठीक है। 2 ही बार हुआ है तो हम 2 बार लिखते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 25, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। अब मुझे ये बताइए स्टार्टिंग में मिक्सर कितना यूनिट है, 25 यूनिट, और अब मिल्क कितना यूनिट है, 16 यूनिट। तो पानी कितना यूनिट होगा मुझे बताइए, 25 टोटल है उसमें से 16 यूनिट दूध है, तो पानी कितना यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा क्या, 9 यूनिट। वाटर होगा क्या, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, दूध और पानी का अनुपात पूछ लिया गया, मिल्क एंड द वाटर का आपसे रेशियो पूछ लिया है। बताइए मिल्क कितना यूनिट है, 16 यूनिट है, अब पानी कितना यूनिट है, 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट लिख दीजिए आप डायरेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप चाहें तो इतना नहीं भी लिखेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट अगर ध्यान रखें, 12 लीटर आपका निकाला गया कितना में, 60 में, तो 1/5 हो जाएगा। यह प्रक्रिया 2 बार हुआ था, 5, पहले 5 था अब 4, फिर 5 था अब 4, तो 25 इधर 16, तो कितना हो गया, 25:16, तो 25 यूनिट पहले था, 16 यूनिट अब दूध बचा है, तो पानी कितना था, पानी 9 यूनिट। इसका मतलब आपसे पूछा है दूध और पानी का, तो 16:9 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इससे बचने के लिए आप नहीं लिखना चाहे, ये कब होगा, जब आपको अनुभव हो जाएगा, आप बहुत बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो आज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लास्ट में हम क्वेश्चन देंगे इस टाइप का, उसको भी सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंटेनर इज फुल ऑफ प्योर मिल्क, एक डब्बा है उसमें पूरा दूध, शुद्ध दूध भरा हुआ है। फ्रॉम दिस कंटेनर 20% ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, इस कंटेनर से 20% 20% दूध निकाल लिया गया। देखिए यहां परसेंटेज में निकाला गया है, अभी इससे पहले हम जो क्वेश्चन पढ़े उसमें लीटर में निकाला गया था, ध्यान रखेंगे। मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द वाटर, और इसके जगह पे 20% क्या डाला गया, पानी डाला गया। दिस प्रोसेस रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स, इस क्वेश्चंस में आपको केवल लगा दिया 3 बार किया गया, इस क्वेश्चन में साफ स्पष्ट दे दिया गया 3 बार यह प्रक्रिया किया गया है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, तो आपको इस कंटेनर में अंत में दूध का प्रतिशत कितना है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, दूध का प्रतिशत क्या है, यही क्वेश्चन है आपका। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले ना आपको, तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का जो भी हम 3 क्वेश्चन किए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा जो कर रहे हैं, वो हर 2-3 साल पे क्वेश्चन रिपीट करता है एलिगेशन का, ठीक है। तो 2 चीज आपको ध्यान रखना है, पहला ये क्वेश्चन में रिपीटेशन कितनी बार किया गया, यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराया गया, जितना बार दोहराया गया उतना ही बार आप लिखेंगे स्टेप को, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे कि आपको अंत में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करेंगे, तो अगर हम इसका शॉर्ट में सॉल्यूशन करना चाहें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन में कह रहा है 20% निकाला गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर आप
लोग परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, तो परसेंटेज में पढ़ाया जाता है फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, ये परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए 20% परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 1/5। तो इसको हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू और इसको कहते हैं परसेंटेज वैल्यू। जब भी कभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम जाते हैं तो 100 से देते हैं भाग, और जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं तो 100 से कर देते हैं गुना। 1/5 में 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में, ये परसेंटेज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब भैया 20%, तो आप मुझे बताइए पहले कोई चीज 5 यूनिट था, मतलब कंटेनर में स्टार्टिंग में पहले कोई चीज कितना यूनिट था, 5 यूनिट था, उसका 20% निकाल लिया गया, तो निकाल कितना लिया गया, 1 यूनिट, यानी निकाला गया 1 यूनिट निकाला गया। अगर हम आपसे पूछे अब कितना यूनिट बचा है, अब आपका बचा है 4 यूनिट बचा है। तो आइए पहले अब, पहले आपके पास था 5 यूनिट और अब कितना है 4 यूनिट। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराया गया है, 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे 5 4 5 4, ये 3 बार हम लिख दिए। अब चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 5 से तो ये हो जाएगा 125, 125, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 125। इसका मतलब दूध जो है ना अब कंटेनर बचा है 64 यूनिट, और पहले मिश्रण कितना था जो कंटेनर में फुल था, तो उसमें जो है मिश्रण यानी मिक्सर कितना था 125 यूनिट। आपसे पूछा क्या गया, दूध का प्रतिशत बताइए, तो मिल्क का परसेंटेज निकालना है, तो मिल्क का परसेंटेज बराबर, आप देखिए मिल्क कितना यूनिट है, 64 यूनिट, 64/ कितना में टोटल, परसेंटेज टोटल में ना निकालते हैं तो 125 यूनिट, 125। आप किसी चीज को परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो ये होगा आपका 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना करेंगे तो ये आंसर होगा 51.2%, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए देते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस का जो दिया जा रहा है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करेंगे, बुरा लगा है तब भी कमेंट करें, अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि अच्छा लगेगा मुझे भी। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं पार्ट 2 में इसी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, अपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। थैंक यू।